पटना थाने में कोई परेशानी हुई आप लोगों को? नहीं नहीं, देखिए पहले मैं आपके बातों को जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विशाखापट्टनम से आने में YMS न्यूज़ ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग 75 लोग फंसे थे, फिर YMS न्यूज़ ने, हम लोगों ने काफ़ी न्यूज वालों से बात किया लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। फिर YMS न्यूज़ ने बहुत मेहनत किया हम लोगों को लाने के लिए, और जो YMS न्यूज़ के क्षेत्रीय जो मतलब लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया। इसके लिए तो मैं YMS न्यूज़ 24 को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। बाकी हम लोग को विशाखापट्टनम से आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सरकार ने वहाँ से बस प्रोवाइड किया हम लोग को आने के लिए। फिर हम लोग रांची आए, रांची से भी मतलब हम लोग बात किए सीधा अनिल यादव जी से, वो बात कराए, फिर हम लोग को वहाँ से भी बस मिला। तो इसके लिए तो मैं लाख लाख बधाई देता हूँ पहले YMS न्यूज़ को। अच्छा, वहाँ आपकी कंपनी पेमेंट की, सैलरी पेमेंट की नहीं आप लोगों की? हाँ देखिए, पेमेंट का जो बात था वो हम लोग का जो एक मंथ का पेमेंट पेंडिंग में चल रहा था अप्रैल वाला, वो न्यूज़ में जब आया हम लोग का मुद्दा तो वो तत्काल हुआ, वो पेमेंट तत्काल हो गया। और इसके लिए सारे वर्कर जो बिहार और यूपी के थे वो लोग ने काफ़ी आप लोगों का सराहना भी किया। जो आप लोग मिल के काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम है उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। और कोई रास्ते में आप लोगों को परेशानी? नहीं नहीं देख, कोई सारे लोग आप लोग